फैक्ट न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। गल करिए काले कानूनों की, जिहड़े किसान कह रहे हैं कि केंद्र सरकार वालों जिहड़े काले कानून पास किए गए हैं उन्होंने लैके जिहड़े किसान दिल्ली के उत्ते पिछले कई महीनों तो प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और ये प्रदर्शन जिहड़ा हैगा इस समय सारे पंजाब दे विच चल रहा, कई सारे जिले के चल रहा, पर इस प्रदर्शन के दौरान कई मौतें हो चुकी हैं। गल करिए पटियाला की, पटियाला 29 मार्च को थापर कॉलेज के कोल प्रदर्शन कर रहे किसान के उत्ते एक एक्सीडेंट के राही घटना होंदी है, उस घटना के विच कई मौतें हो जांदियां, उसनू लैके पटियाला जिले के विच किसान संघर्ष कमेटी बनी है, इंसाफ कमेटी बनी है। उन्होंने जिहड़े कन्वीनर है अजैब सिंह टिवाणा साडे नाल है, इन्हां नाल गल करदे आ कि ये कमेटी क्यों बनाई गई है और जिहड़े इस एक्सीडेंट विच मारे गए हैं कि हले तक उन्होंने की इंसाफ क्यों नहीं मिलिया। फैक्ट न्यूज़ से तुहाडा स्वागत है टिवाणा साहब, की कारण है जो एक्सीडेंट के जो हूँ तक इंसाफ क्यों नहीं मिल सकता और तुम कमेटी बनानी पी है, की रणनीति है? ये वास्ते प्रशासन जिम्मेवार है। देखो असी 30 तरीक में भी धरना लाया सी, उत्ते जो एक्सीडेंट होया मैं गल उस समय भी रखी सी धरने के विच कि एक तो जिहड़े मौके पर पुलिस अधिकारी सीगे उन्होंने उस दोषी जिहड़ा प्रितपाल एक्साइज इंस्पैक्टर सीगा जिहदी उह गड्डी सीगी फॉर्चूनर, तो उसके उत्ते कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने अरैसट करके रजिंद्रा होस्पिटल चो मेडिकल कराने की बजाय उसनों प्राइवेट हस्पताल च लोके गए, तो जख्मियों की मदद करने लई जख्मियों नूं चक्कण वास्ते इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया। टिवाणा साहब इस एक्सीडेंट च किन्ने बंदे मरे सीगे और गड्डियां भी काफ़ी नुकसानी, किन्ने बंदे मरे सी? ऑन द स्पॉट एक मरे सी इंद्रजीत सिंह, उस तो बाद एक 2 साल का बच्चा दी पीजी डैथ हुई है, तो 1 तरीक को परमवीर सिंह जो डीएवी स्कूल का 10वीं क्लास का विद्यार्थी सीगा वो 1 तरीक को मैक्स मोहाली विखे उहदी डैथ हुई है। खेती कानूनों लैके जिथे किसान लगातार संघर्ष की राह दे उत्ते हैं, कई महीनों तो दिल्ली दे हैं दलीजा दे बैठे हैं और लगातार पंजाब दे विच भी संघर्ष चलता आ रहा है, इस संघर्ष के चलद कई किसान अपने जाना गवा चुके हैं। और इत्थे गल करिए पटियाला की, पटियाला 29 मार्च को एक शांतमई प्रोटेस्ट करते किसान अंदोलन के तहत एक एक्सीडेंट के 3 जाना कीमती जाना चलिया जाए, जिसनों लैके अज पटियाला डीसी दफ्तर का घिराव किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा वालों कई किसान जथेबंदियां इत्थे पहुंचियां और इस डीसी दफ्तर का घिराव किया जा रहा है। गल करांगे, की नाम है सर अपना? मेरा नाम मनजीत सिंह नियाल, जिला पटियाला प्रधान बीके जो एकता ग्राम। मनजीत सिंह जी, अज डीसी दफ्तर पटियाला का घिराव किया जा रहा है, किस मकसद नूं लैके किया गया? जिहड़ा पिछले दिन 29 मार्च में इत्थे किसानी अंदोलन के चल रहे संघर्ष की हमायत के थापर कॉलेज अगे साडे नौजवान वीर ते साडे बजुर्ग इस काले कानूनां नूं रद्द कराउण दे संबंध च रोज़ प्रदर्शन कर रहे सी, उन्हां दे करदे प्रदर्शन करदिआं दे उत्ते अचानक एक व्यक्ति ने लापरवाही दे नाल गड्डी चढ़ा के जिन्हां दे विचों 3 शहीद हो गए ने ते बाकी 2-3 जख्मी ने, उन्हां नूं परिवारां नूं मुआवजा दिवाउण दे संबंध च ते शहीदां दा दर्जा देण दे संबंध च ते जिहड़े जख्मी होए ने उन्हां नूं इलाज कराउण वास्ते सहायता वास्ते इत्थों दीआं सरकारां नूं असीं पहलां वी मंग पत्र दे चुके हां, ना कि उन्हां दी सुनवाई हुई आ। एक परिवार को जो उन्हें जो भी कल इस ऐलान किए डीसी दफ्तर के घरों के संबंध के कोई मुआवजा दिता गया, तो बाकी जिहड़े जख्मी ने उन्होंने 1-1 लाख रुपये की सहायता जिहड़ा कि बल्कि उन्होंने 8-10 लाख रुपया खर्चा हो चुका, सरकार ने उस गल्ल ते कोई ध्यान नहीं दिता। उन्होंने माली सहायता घर के हालात जिमें के कमजोर ने वह सरकार तो मंग ली कि इन्हों परिवारों जियां एक एक नौकरी दी जाए तो बनता मुआवजा दिता जाए तो जिहड़े जख्मी ने उन्होंने इलाज करवाया जाए। इस मंगा नूं लैके अज इत्थे डीसी दफ्तर अगे धरना दिता जा रहा है। जिहड़ियां मौके दीआं समस्यावां मंडियां दे विच बारदाने की घाट है, कणकां नहीं तुल रहीआं, लेबरां की समस्या है, जिवें करोना महामारी के दौर नूं लैके लेबरां बाहरों नहीं आ रहीआं, जिवें पिछे सरकार ने वह हालात पैदा किए कि जिहड़ियां परदेसां बाहरले सूबिआं दे विचों लेबरां आउंदीआं सीआं वह उस हालातों चो डरदियां हुई अज भी इत्थे कम करन वास्ते नहीं आईआं। इस मंगा नूं लैके असीं अज इत्थे जिहड़ा किसान मोर्चा साडा कमेटी बनी है पटियाले दे विच संयुक्त मोर्चा कह लो, वह कमेटी के दौरान असीं इत्थे मोर्चा लाया। मनजीत सिंह गल जी कर गल करिए आप 300 तो उपर कीमती जाना जा चुके, पंजाब के लोग मर चुके, शहीद हो चुके इस अंदोलन लैके, सरकार अजे टस तो मस नहीं हुई है, कि यह संघर्ष उन्होंने वास्ते भी होएगा? देखो ये जो संघर्ष है जोड़े उरे शहीद होए ने उत्थे हुए ने सानू एक बराबर सारे शहीद ने, वो दिल्ली वाला मोर्चा भी इसे काले कानून रद्द कराने के संबंध में इतने भी वीर जोड़े उस मोर्चे की हिमायत करते तो वह भी वो संबंध ही आ, शहीद दिल्ली के पंजाब के सारे सानू एक बराबर तो इस मोर्चे के शहीद ने, उन्होंने शहीदों का दर्जा दिता जाना,
पर जिहड़ी गल सरकार दी आ कि टस तो मस नहीं हो रही, इन्हां नूं जदों इलैक्शन आउंदियां ने इक उदों कुर्सी दिखदे उदों साडे लोकां दी कदर करदे ने, उदों पुछदे ने पैरी हत्थ लाउंदे ने, बजुर्गां दे लाउंदे ने, बहुत प्रोपोगंडे करदे ने। जिहड़े लोक इन्हां नूं बना के कुर्सियां ते बिठाउंदे ने, अज उहनां नूं इक इनसान दी जान जाण दी कदर नहीं है। वह सिर्फ एक अपने कारपोरेट घराने का पक्ष पूर्ण तो सरकार अड़िया हुई ने, पर जिन्नियां शहीदियां देनियां पईआं साडे पंजाब दे साडे देश दे लोक दृढ़ ने। करोना महामारी नाल मरन तो भुख नाल मरन तो असी लड़ के मरना अपने हकों वास्ते पसंद करते हैं। जिन्नियां शहीदियां देनियां पईआं लोक तैयार ने, दृढ़ ने, देण नूं तैयार ने, पर अपने हक लैके वापस आवांगे। गल करिए तुसीं करोना की गल की है भी लेबर बाहरों नहीं आ रही, बाहर जाने की भी मुसीबत, अकाली दल ने भी इस सवाल चक्या कि जदों पहला तो 10 दिन फसल लेट चुकी गई, फिर उस तो बाद 16 तरीक में बाहर जाने का टेंडर भरया जाता, तो कितने ना कितने सरकार की यह कमी नज़र नहीं आ रही। और जबकि करोना करके पता भी कि लेबर बाहरों नहीं आनी, तो इसका सरकार को कोई इंतजाम नहीं करना चाहिए। देखो जिहड़े प्रबंध पंजाब की सरकार हुण मौके पर करन लगी है 16 तरीक तो, यह तो बहुत लंबे समय तो मंडियों के फसलां आउंदियां ने। इस सरकार नूं प्रबंध तो अपना फरवरी ते जनवरी फरवरी मार्च के बिच ही कर लेने चाहिए सके। अज मौके ते इस अप्रैल के उधरों कणक नाल अनाज नाल मंडियां भर गईआं, अज सरकार प्रबंध करदी फिरदी आ। अकाली दल सवाल करदा है, वह भी सत्ता दे विच रह के कहिंदे कि रोटियां सेकदे किसानां दा हमदर्दी, जिहड़ी कैप्टन दी सरकार है चाहे अकाली दल दी आ, उह सारी बीजेपी दी सरकार नाल रल के कानून लागू कराउण दे पक्ष 'च ही ने। असी नहीं कह सकते कि मौके की कैप्टन सरकार किसानों के हक चा। आज जिहड़े बिंगे टेढ़े काम हो रहे हैं, किसानों हरासमेंट किया जा रहा, तो उस मसले के सीधिया अदायगियां की जा रही ने, मतलब एक नाता तोड़न वास्ते आड़तियां तो देख शैलर झोने पे ने हले, मतलब वो एक कन्न जे कहिंदे सीधा नहीं फड़िया, लोगों के संघर्ष मुताबिक तक घुमा के फड़न लग गए भी आह मंडियां दे विच किसानां नूं बदीन किया जाए कणक की फसल ते अगे झोने की फसल च, इस तो वध बदीनगी शैलरां दे विचों जीरियां दे चौल नहीं निकल के जा रहे, वह शैलर मालकां दे सकंजा कसता कि आने वाली फसल जीरी की लगनी वो खरीदन, मतलब बड़े टेढ़े तरीके नाल पंजाब दीआं सरकारां कोई भी पार्टी आ हर एक उस कारपोरेट घराने नाल रली हुई आ, किसानां दी कदर नहीं जिन्हां ने भुखे मरदे देश दा ढिड भरिया, जमीनां टिब्बे चक्के आबाद करके वह लोगों नूं अनाज पैदा करके दिता, जिहड़े इंदिरा गांधी वर्गियां ठूठा चाके बाहरले देशों तो मंगदे ते जे आपर साडे देश ने अज अनाज दे भंडार भरते तां साडे लोकां दी आ कदर कीती आ सरकार ने, सड़कां ते बैठण वास्ते मजबूर करते, मरन वास्ते मजबूर करते। इस धरने विच साडे नाल होर वी हैगे, इहनां नाल वी गल करांगे। की नाम है जी अपना? मेरा नाम सुखमिंदर सिंह बारना जी। बारन जी अज आए हो तुसीं इह धरने दे विच किस मंग नूं लैके आए हो? असीं जी इस टाइम मंग लैके आए जिहड़े थापर यूनीवर्सिटी दे अगे डेली नौजवान बजुर्ग ते बच्चे प्रोटेस्ट करते सीगे किसानां दे हक दे विच, उहनां दा 29 मार्च नूं जिहड़ा एक्सीडेंट दे विच कई बंदिआं दीआं तां डैथां हो चुकियां ने ते कई जख्मी ने, ते सरकार उहनां दी कोई मदद नहीं कर रही। उहनां दे संबंध दे विच अज इत्थे डीसी ऑफिस दे अगे धरना लगाया गया, ते नाल ही जिहड़ियां कणकां मंडियां दे विच रुल रहीआं ने किसानां दीआं, उहनां दे संबंध विच वी डीसी साहिब दे अगे मंग पत्र रखणे ने असीं, ते इस संबंध दे विच ही असीं इत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हां। की रणनीति रहेगी जी अज तो, इस धरना किन्नी देर तक रहेगा यह? अज शाम तक का धरना जी वैसे, ये जिदा भी अगे की रणनीति सारिया जथेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चा रल के उलीकेगा उस तरह अगे भी यह मोर्चा चलेगा। जे सरकार ये सुनवाइया नहीं करती तो इन्हों बनता मुआवजा, तो एक एक परिवार को नौकरी, तो जख्मियों के इलाज वास्ते पैसे ने जो नहीं दी, अगे जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी पूरी यह फैसला करेगी उस तरह अगे ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जी। ये सन साडे नाल संयुक्त किसान मोर्चा के किसान जिन्हों का कहना सीगा कि जेड़े इस अंदोलन के तहत शहीद होए हैं उन्होंने इंसाफ दवाना, 29 मार्च में पटियाला थापर कॉलेज विखे एक्सीडेंट के धरना प्रदर्शन करते हुए एक 16 साल के नौजवान की, एक बुजुर्ग इंद्रजीत सिंह जी और एक 2 साल के बच्चे की भी मौत हो जाती है, उसनों इंसाफ दवा ली किसानों का कहना है कि उन्होंने परिवार को एक एक सरकारी नौकरी तो जो बनता मुआवजा दिता जाए, उस तो अलावा जेड़े आ जिहड़ी फसल आई है फसल में संभालने लिए पुख्ता प्रबंध करे सरकार, क्योंकि सरकार पहला ही जेड़े काम पहले करने चाहिए सी सरकार इस काम लेट है। दूसरा उन्होंने किसानी बिलों का साफ विरोध करते हुए कहा कि सारिया सरकार चाहे कोई भी अकाली कांग्रेस हो इस इन बिलों किसी ना किसी तरीके पास करवाने के लिए लगिया हुई हैं, पर किसान अपना विरोध हमेशा दर्ज करवाते आ रहे और दर्ज कराते रहेंगे जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे। ये धरने प्रदर्शन इदा ही जारी रहेंगे। कैमरामैन रजत नाल फैक्ट न्यूज़ लई पटियाला तो चरणजीत सिंह कोहली की रिपोर्ट। हक ते सच की खबर लई लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।